हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक रोमांटिक जैपनीज़ मूवी जिसका नाम है क्लोज रेंज लव, ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है यूनी नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट से, जो अपने क्लास की टॉपर है पर बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की है। वो अपने इमोशंस को जल्दी लोगों के सामने नहीं आने देती, जिस वजह से सभी को लगता है कि वो ओके है। पर ऐसा था नहीं, उसे भी कई चीज़ों से डर लगता था, दर्द महसूस होता था, पर ये सब कुछ समझने या बताने वाला उसके पास कोई नहीं था। पूरे स्कूल में उसकी बस एक ही दोस्त थी नामी, जो मिडिल स्कूल से उसके साथ है। वो उससे इसे अपनी हर बात शेयर करती है। नामी जानती है कि यूनी का नेचर कैसा है और इसीलिए उसे बहुत प्यार से बातें करती है। यूनी भले ही अपने क्लास की टॉपर हो पर इंग्लिश में उसे प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से उसे उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो उसका इंग्लिश टीचर हारुका उसे स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लेने को बोलता है। हारुका बहुत ही बेहतरीन टीचर है और साथ ही हैंडसम भी, जिस वजह से लड़कियों का क्रश भी है। प्लस उसके पढ़ाने का तरीका और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। वो सभी से फ्रेंडली और स्वीटली बातें करता है, जिस वजह से यूनी की नजरों में उसकी इमेज कुछ खास अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने टीचर्स का कहना मानने वाली ओबीडियंट स्टूडेंट है, तो इसीलिए अपने एक्स्ट्रा क्लास के लिए पहुंच जाती है। पर हारुका उसे चाहे जितना भी समझा ले, यूनी को कुछ समझ ही नहीं आता। जिस पे हारुका उसे पूछता है कि उसे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स कैसे आ जाते हैं, जबकि इंग्लिश जैसा इजी सब्जेक्ट उसको समझ नहीं आता। तो यूनी बोलती है कि मैथ्स किसी रूल पे चलती है, वही इंग्लिश में ना तो कोई रूल है और ना ही कोई लॉजिक है। और जब तक वो उसे ये रूल्स एंड लॉजिक नहीं बता पाएगा, वो इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पाएगी। लेकिन हारुका का मानना था कि यूनी एक इमोशनलेस इंसान है और जब तक वो अपने इमोशंस को समझेगी नहीं, उन्हें एक्सप्रेस नहीं करेगी, तब तक वो कोई भी लैंग्वेज नहीं समझ सकती। पर यूनी एक्स्ट्रा क्लासेस को पॉइंटलेस बताकर वहां से चली जाती है। यूनी के पेरेंट्स अब्रॉड रहते हैं और वो यहाँ अपने कजिन काजुमा के साथ रहती है, जो उसके स्कूल में मैथ्स का टीचर है। काजुमा उसे समझाता है कि उसे इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दरअसल यूनी जेनेटिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है, वो भी कैलिफोर्निया में अपने फेवरेट प्रोफेसर के अंडर में। पर चूंकि उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इस वजह से उसने अपने सपने से गिव अप कर दिया है। नेक्स्ट डे काजुमा हारुका से भी बात करता है कि यूनी बहुत ही इंट्रोवर्ट है, वो जल्दी दूसरों से घुल मिल नहीं पाती, पर उसका नेचर बहुत ही अच्छा है, इसीलिए वो उसकी बातों का बुरा ना लगाए और उस पर ध्यान दे। वहीं यूनी भी वापस से एक्स्ट्रा क्लास लेने चली आती है, तो हारुका उसे कुछ हैंड रिटन एंड ऑडियो नोट्स देता है। साथ ही नोट्स में दिए सेंटेंसेस को 5 times बोल बोलकर लिखने का टास्क भी देता है और नोटिस करता है कि भले ही यूनी इंग्लिश में अच्छी ना हो, पर वो बहुत ही ओबीडियंट है। उसके बाद से दिन बीतते जाते हैं और यूनी की एक्स्ट्रा क्लासेस चलती रहती हैं, जिसे देखकर क्लास की कुछ और लड़कियां भी वो क्लासेस करना चाहती हैं, सिर्फ और सिर्फ हारुका के लिए। पर वो इसे मना कर देता है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट में मार्क्स ऑलरेडी अच्छे थे और उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर जब वाइस प्रिंसिपल उन लड़कियों को हारुका से क्लोजली बातें करते देखते हैं, तो उससे बात करते हैं कि बच्चे उसके फ्रेंडली नेचर को गलत ना समझ लें। पर हारुका उन्हें अश्योर करता है कि उसका उसके हर स्टूडेंट के साथ बस एक टीचर एंड स्टूडेंट का ही रिलेशन है और वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि स्टूडेंट उसे गलत ना समझे। दरअसल जापान में स्टूडेंट टीचर रिलेशन को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्टनेस है, इससे टीचर की जॉब जा सकती है और स्टूडेंट को एक्सपेल भी किया जा सकता है। वहीं यूनी अपने क्लासेस पे ध्यान देती है और हारुका उसे हमेशा खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने को बोलता है। दरअसल उसका मकसद यूनी की हेल्प करना है। वो समझता है कि वो बहुत कुछ बोलना चाहती है, बहुत कुछ फील करती है, पर अपने नेचर की वजह से उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो इसीलिए उसे आउटस्पोकन होने को बोलता है और साथ ही उसकी बातों को गलत समझने से भी मना करता है। वहीं यूनी थी जो इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो आने वाले इंग्लिश एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहती थी, ताकि उसके एक्स्ट्रा क्लासेस बंद हो जाए और उसे हारुका से छुटकारा मिल जाए। और एग्जाम देते टाइम वो नोटिस करती है कि उसे पहले से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी हारुका ने उसे अच्छे से पढ़ाया है, पर फिर भी उसके इतने भी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस से बच सके। तो इसलिए वो लड़कियां जो हारुका की क्लासेस करना चाहती थी, वो जेलसी में आकर यूनी को बुली करती हैं। उन्हें लगता है कि वो हारुका की अटेंशन पाने के लिए जानबूझकर इंग्लिश में कम मार्क्स ला रही है और उसे स्पोर्ट्स रूम में बंद कर देती हैं। लेकिन हारुका को ये जानकारी लग जाती है तो वो यूनी की हेल्प करने पहुंचता है, पर यूनी उससे नाराज होती है क्योंकि उसकी वजह से ही उन लड़कियों ने उसे बुली किया था, जिस वजह से उसके पैरों में भी मोच आ गई थी। और जब हारुका ये देखता है तो खुद उसे कैरी करके मेडिकल रूम ले जाता है। पर जब यूनी हारुका को अपने इतने क्लोज देखती है, तो पहली बार उसे भी हारुका अच्छा लगता है और वो उससे अट्रैक्ट होने लगती है।
उसके बाद मेडिकल रूम में हारुका खुद उसके पैरों में बैंडेज करता है, उसे खुद का ख्याल रखने को बोलता है और यूनी को उसका ये नेचर, उसके लिए उसका कंसर्न, उसके स्माइल, ये सब कुछ बहुत अच्छी लगती है। ये पहली बार था जब वो किसी के लिए ऐसा स्पेशल फील कर रही थी और उसे थैंक यू बोलने के लिए नेक्स्ट डे उसे एक प्रेजेंट भी देती है, पर हारुका उसे एक्सेप्ट नहीं करता और उल्टा उसे रूडली बोलता है कि वो उसकी हेल्प का कुछ गलत मतलब ना निकाले और ना ही बाकी लड़कियों की तरह उसके क्लोज होने की कोशिश करे, जो बात यूनी को बहुत ही बुरी लगती है। और वो उसे एक थप्पड़ मारती हुई बोलती है कि वो बस उसे थैंक यू बोलना चाहती थी। और हारुका फर्स्ट टाइम उसे रोते हुए देखता है, फर्स्ट टाइम अपने इमोशंस को बाहर लाते देखता है और यूनी गुस्से में वहां से चली जाती है। और जब घर आती है तो काजुमा उसे देखकर समझ जाता है कि वो बहुत ही स्ट्रेस में है और उसे ये सब कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से लगता है, तो इसलिए नेक्स्ट डे वो प्रिंसिपल से उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस बंद कराने की सिफारिश करता है। लेकिन हारुका बोलता है कि अगर यूनी को कोई स्ट्रेस है तो काजुमा को एज अ गार्जियन उससे पर्सनली बातें करनी चाहिए, ना कि उसकी क्लासेस बंद करवानी चाहिए। हालांकि सभी जानते हैं कि हारुका की वजह से ही यूनी के मार्क्स सुधर रहे थे, मगर फिर भी प्रिंसिपल उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस बंद करवा देते हैं। लेकिन ये बात जब यूनी को पता चलती है तो वो बहुत ही उदास होती है। वो पूरे क्लास में बस हारुका को ही देखती रहती है और हर रोज स्कूल खत्म होने के बाद उस क्लासरूम में बैठ जाती है जहां हारुका के साथ वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी और उसके दिए हुए ऑडियो नोट्स को सुनती रहती है। धीरे धीरे उसे भी एहसास हो जाता है कि वो हारुका के लिए कुछ फील करने लगी है और कई बार अपनी फीलिंग्स उसे बताने की कोशिश भी करती है पर ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन फाइनली एक दिन वो हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स बताने का डिसाइड करती है और जाकर पोडियम पे उसके डेस्क के नीचे छुप जाती है और जब क्लास स्टार्ट होती है तो एक नोटबुक पे लिखकर उससे पूछती है कि वो उसे नफरत भी करती है और प्यार भी, इसीलिए समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे, जिस पे हारुका उसे किस कर लेता है। कहीं ना कहीं वो भी उसके लिए कुछ फील करने लगा था। लेकिन तभी प्रिंसिपल एक नई टीचर को स्कूल का टूर देते हुए वहां पे आ जाते हैं और वो नई टीचर हारुका को किस करते देख लेती है। अगले सीन में हारुका यूनी से माफ़ी मांगता है और सब कुछ भूल जाने को बोलता है, ये बोलकर कि वो किस उसकी गलती थी जो चीज़ यूनी को बहुत ही हर्ट करती है। वहीं उस नई टीचर का नाम मीरे है जो यूनी की नई क्लास टीचर और हारुका की बचपन की दोस्त भी है। नेक्स्ट डे उन दोनों यानी मीरे और हारुका को एक साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि हाई स्कूल में दोनों एक दूसरे को डेट भी करते थे, पर उस रिलेशन में मीरे ही ज़्यादा एक्टिव थी, वहीं हारुका कुछ खास सीरियस नहीं था। मीरे उसे बताती है कि उसने उसे किस करते हुए देख लिया था, जिस पे हारुका बोलता है कि वो एक एक्सीडेंटल किस था, पर मीरे उसके एक्शन से समझ जाती है कि वो यूनी को लाइक करता है, इसीलिए उसे स्टूडेंट के साथ रिलेशन रखने पे वॉर्न करती है। वहीं स्कूल में यूनी जब दोनों को एक दूसरे के क्लोज देखती है और बाकी स्टूडेंट्स को उनके बारे में बातें करते सुनती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन वो खुद हारुका से बात करती है और बोलती है कि वो उसे लाइक करती है और भूल नहीं सकती, जिस पे हारुका बोलता है कि उसकी ये फीलिंग्स टेम्पररी है, वो जल्दी ही उसे भूल जाएगी, जिस पे यूनी और हर्ट होती है और उसके बाद से उसे इग्नोर करने लगती है। एक दिन वो क्लास में मातोबा नाम के एक लड़के की हेल्प करती है और उससे बातें करते करते क्लास में ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद हारुका उसे मेडिकल रूम ले जाता है, पर मातोबा से बोलता है कि वो यूनी को ये ना बताए कि उसने उसकी हेल्प की थी। दरअसल वो भी यूनी को लाइक करता है, पर वो जानता है कि दोनों का रिलेशन फॉरबिडन है और इसीलिए यूनी की भलाई के लिए ही उसे इग्नोर करता है। उसके बाद से मातोबा और यूनी एक दूसरे के क्लोज आते हैं, दोनों साथ बाहर भी जाते हैं और जब हारुका दोनों को क्लोज देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और एक दिन जब वो मीरे के साथ शॉपिंग पे गया था तब वहाँ वो मातोबा और यूनी को एक साथ देखता है, जो देखकर वो जेलस फील करता है। वहीं मातोबा भी यूनी को लाइक करने लगा था और इससे पहले कि वो उसे अपनी फीलिंग्स बता पाता, हारुका हवा के झोंके की तरह आता है और यूनी को अपने साथ ले जाता है और फाइनली उसे कन्फेस करता है कि वो भी उसे लाइक करता है, पर यूनी उसका विश्वास नहीं करती और बोलती है कि हो सकता है कि उसकी फीलिंग्स भी टेम्पररी हो, तो पहले वो उसे प्रूफ करके दिखाए कि वो उसे लाइक करता है। तो अगले दिन हारुका उसे अपने साथ एक बीच पे लाता है और पूछता है कि क्या कभी उसने ब्लू सनसेट देखा है और बताता है कि उसके डैड एक ट्रेडिंग कंपनी में सेल्समैन थे जो अक्सर उसे ऐसी ही फैंटेसीज वाली कहानियां सुनाया करते थे और वो उन पे विश्वास भी करता था। उसके डैड अपनी कंपनी में चल रहे प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी टेंशन में रहते थे, लेकिन उनकी फैमिली के सामने वो खुद को हैप्पी दिखाते थे और एक दिन उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया और उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसके डैड की हैप्पी लाइफ के साथ साथ उनकी फैंटेसीज वाली कहानियाँ भी झूठी हैं और तब से उसे झूठ से नफरत है। इसीलिए जब उसने उससे कहा कि वो उसे लाइक करता है तो उसका मतलब है कि वो सच बोल रहा है।
और तभी उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है, जो सुनकर यूनी शॉक होती है। पर हारुका बोलता है कि वो उससे ग्रेजुएट होने के बाद शादी करेगा। वो उसे बहुत प्यार करता है और खुद से दूर होने देना नहीं चाहता, और आज से वो हमेशा उसे खुश रखेगा और प्रोटेक्ट भी करेगा। लेकिन ग्रेजुएट होने तक उन्हें स्कूल में सबसे उन दोनों के रिलेशन को छुपा कर रखना होगा। और यूनी इस बात से बहुत खुश होती है कि हारुका भी उसे लाइक करता है और वो शादी के लिए भी मान जाती है। लेकिन स्कूल में दोनों एक दूसरे से खुलकर ना तो मिल ही पाते थे और ना ही बातें कर पाते थे। हारुका ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहता था और इस वजह से यूनी को टाइम नहीं दे पाता, जिस वजह से उसे लगता है कि हारुका उसके लिए सीरियस नहीं है। लेकिन एक दिन मातुबा उसे बताता है कि वो उसके और हारुका के रिलेशन के बारे में जानता है, क्योंकि उसने मार्केट में हारुका को देख लिया था। और हारुका उसके लिए बहुत वरी भी करता है और ये भी बताता है कि उसके बेहोश होने पर वो नहीं बल्कि हारुका उसे मेडिकल रूम ले गया था। जो जानकर यूनी को एहसास होता है कि हारुका सच में उसे लाइक करता है, वही है जो ज्यादा सोच रही है। उसके बाद से वो अपनी पढ़ाई पे कम और कुकिंग पे ज्यादा ध्यान देती है, ताकि शादी के बाद वो एक अच्छी हाउसवाइफ बन सके। एक दिन हारुका उसे मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है, पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो उससे मॉक टेस्ट के बारे में बातें करता है, जो जानकर यूनी उदास होती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो उससे वहाँ पे उन दोनों की बातें करेगा। और ये चीज़ हारुका भी नोटिस करता है, इसलिए उसे हग करता है और सॉरी बोलता है उसे ज़्यादा टाइम ना दे पाने के लिए। पर तभी मीरे दोनों को देख लेती है और उनकी फ़ोटो ले लेती है, जिसे वो अगले सीन में काजुमा को दिखाती है, जो देखकर काजुमा हारुका से इस बारे में बात करता है, जो उसे बताता है कि वो यूनी से शादी करना चाहता है, एक वही है जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है और खुश रख सकता है। पर काजुमा ये एक्सेप्ट नहीं करता और गुस्से में प्रिंसिपल से हारुका की कंप्लेन करने चल देता है। पर तभी उसे एक टीचर से यूनी के मॉक टेस्ट के रिजल्ट के बारे में पता चलता है, जिसमें पहली बार उसे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए थे, जो ऑब्वियसली हारुका की वजह से थे, तो इसलिए वो कंप्लेन करने से पीछे हट जाता है। पर घर आकर वो यूनी को कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने को बोलता है, ये बोलकर कि उसके इंग्लिश के मार्क्स अच्छे आए हैं तो उसे दोबारा से अपने ड्रीम के बारे में सोचना चाहिए। पर यूनी कंफ्यूज होती है, वो अपना ड्रीम तो अचीव करना चाहती है, पर अगर वो कैलिफोर्निया गई तो उसे हारुका से दूर होना पड़ेगा, जो चीज़ वो नहीं चाहती। और उसी रात हारुका भी उससे मिलने आता है, जो उसे बस एक बार दूर से देखना चाहता था, और प्रॉमिस करता है कि शादी के बाद वो हमेशा उसे स्माइल करते रहने का रीज़न देगा, और यूनी के लिए बस इतना ही काफ़ी था। तो अगले दिन वो काजुमा से कैलिफोर्निया ना जाने का अपना फैसला सुनाती है, जिस चीज़ से काजुमा बहुत गुस्सा होता है। और जब स्कूल आता है तो वहाँ बच्चों में ये रूमर सुनता है कि इंग्लिश में यूनी के अच्छे मार्क्स आने के पीछे हारुका कारण है, जो उसे एक्स्ट्रा क्लासेस कैंसिल होने के बाद भी प्राइवेट क्लासेस देता था, जो बात बिल्कुल गलत थी, क्योंकि ये मार्क्स यूनी की मेहनत की वजह से थे। और यही बात काजुमा भी एज अ गार्जियन प्रिंसिपल को बताता है, जब प्रिंसिपल हारुका से उन रूमर्स की वजह से पूछताछ करता है। बाद में हारुका उसे उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है, पर काजुमा बोलता है कि ये सब कुछ उसने यूनी के लिए किया है, क्योंकि इन रूमर्स की वजह से उसे एक्सपेल भी किया जा सकता था। और उसे यूनी के सपने के बारे में भी बताता है कि वो कैलिफोर्निया में रहकर अपनी पढ़ाई करना चाहती है, पर अब वो अपने सपने से दूर जा रही है और इसीलिए उसकी हेल्प भी मांगता है यूनी को समझाने के लिए। पर हारुका जानता है कि यूनी उसे दूर नहीं जाएगी जब तक वो उसे ब्रेकअप न कर ले, जिस पे काजुमा उसे सेल्फिश होने से मना करता है और एक टीचर की तरह सोचने को बोलता है। जिसके बाद अगले दिन हारुका यूनी से मिलता है और उसे बोलता है कि वो उसके लिए सीरियस नहीं है। पहले उसे लगता था कि शायद वो उसे बहुत प्यार करता है, पर अब उसे ऐसा एहसास नहीं होता और इसीलिए उसे ब्रेकअप कर लेता है, जिस चीज़ से यूनी बहुत हर्ट होती है। उसे ये यकीन ही नहीं होता कि हारुका उसे प्यार नहीं करता, पर फिर भी वो उसे नफरत नहीं कर पाती। और ये बात जब मातुबा को पता चलती है तो वह हारुका से फाइट करता है और अब से उसे यूनी से दूर रहने को बोलता है। वहीं मीरे हारुका से बताती है कि उसी ने उसकी और यूनी की फ़ोटो लेकर काजुमा को दिखाई थी, जो बात हारुका पहले से ही जानता था, क्योंकि अगर वो फोटो किसी और ने ली होती तो ये बात अब तक प्रिंसिपल को पता चल चुकी होती। वहीं यूनी काजुमा को बताती है कि वो कैलिफोर्निया जाने के लिए तैयार है और अब अपने एग्जाम की तैयारियों में लग जाती है। और फाइनली वो दिन भी आता है जब वो जापान छोड़कर जाने वाली थी। हालांकि उसे एयरपोर्ट पे हारुका का भी इंतज़ार होता है, पर फिर भी वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली थी। वो अब खुद को हारुका के लिए प्रूफ करना चाहती थी, ताकि एक दिन वो फिर से उसे एक्सेप्ट कर ले। दिन बीतते जाते हैं, यूनी कैलिफोर्निया में अपनी पढ़ाई पे फोकस करती है, वहीं जापान में हारुका अपनी टीचिंग पे ध्यान देता है। पर आज भी वो यूनी को मिस करता है। और एक दिन यूनी उससे मिलने जापान आती है और उसे अपने साथ उसी बीच पर लाती है जहां अक्सर दोनों मिला करते थे।
और उसे एक फ़ोटो दिखाती है ब्लू सनसेट की, जो सूरज के हॉरिजॉन के नीचे डूबने से ठीक पहले होती है। यानी कि हारुका के डैड छोटी स्टोरीज नहीं बताते थे और ना ही वो अपनी फैमिली को धोखे में रखना चाहते थे। वो उनके चेहरे पे स्माइल देखने के लिए खुद को हैप्पी दिखाते थे ताकि वो लोग स्ट्रेस ना ले, ठीक वैसे ही जैसे कि उसने यानी हारुका ने उसकी भलाई के लिए उसे झूठ बोला कि वो उसे प्यार नहीं करता। उससे दूर जाने के बाद ही उसे यह एहसास हुआ कि उसने उसे झूठ उसकी भलाई के लिए बोला था, और आज वो इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि खुद को उसके लिए प्रूफ कर सके। जिसके बाद हारुका उससे माफ़ी मांगता है और फिर से उसे शादी करने के लिए पूछता है। हालांकि यूनी पहले खुद को प्रूफ करना चाहती है कि वो उसके लायक है, पर हारुका बोलता है कि वो जैसी भी है उसे पसंद है और शादी के बाद भी वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकती है, और आगे से उसे सेंसेई यानी टीचर बुलाने से भी मना करता है क्योंकि अब दोनों का रिलेशन कुछ और ही है और उनके इसी किस के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायनारा।